Hello student, welcome to Real Online Classes once again. This is Saurabh. Now let's start today's topic. So as you know that हमने कल cover किया था अपना chemical reaction और equation का first part. तो हमने कल उसमें क्या देखा था, एक बार देख लेते हैं slide से. तो कल हमने देखा था chemical changes क्या होते हैं. तो कल जैसे आपको पता है कि chemical changes क्या थे, कि जिसमें नया substance form हो रहा था, ठीक है, जिसमें नया substance क्या हो रहा था, form हो रहा था with new properties. उसके बाद हमने फिजिकल चेंज जाना कि फिजिकल चेंज क्या है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, और कुछ एग्जांपल्स दिए थे हमने आपको. उसके बाद देखा था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के. तो मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर अगर मास ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है तो ये मेरा क्या बता रहा है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच वाज गिवन बाय एंटनी लेवोइजर. लेवोइजर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, यानी कि जो मास है वो आपका चेंज नहीं होता. मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है. अब हम जानेंगे आगे कि कितनी टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं. कल हमने बस इतना देखा था कि केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, उसके बाद हमने बैलेंस करना सीखा था रिएक्शंस को, कुछ टाइप्स देखे थे. आज हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो फाइव टाइप्स की जो रिएक्शंस हैं वो इस चैप्टर में हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जो एक कंबाइंड में क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन. तो हम देख लेते हैं फर्स्ट बाई फर्स्ट देख लेते हैं. तो कल जैसा केमिकल चेंज एक बार रिव्यू दे देते हैं. केमिकल चेंज क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस विद द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल चेंज. तो जैसे कल हमने बताया था केमिकल चेंज क्या है, कि नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, बिल्कुल नई हो जाएंगी, ठीक है. फिर हमने देखा था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, पाँच करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, कौन कौन से, कि चेंज इन स्टेट, कलर में चेंज आना, चेंज इन ऑर्डर, स्मेल में चेंज आना, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना, चेंज इन टेम्परेचर हो गया आपका, और उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस, लाइक अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये क्या थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने कल देखे थे, इसके एक एक एग्जांपल भी दिया था, होपफुली आपको याद हो. अगर नहीं है आपको याद तो आप एक बार पिछली वाली वीडियोज़ पर जाइए और उस वाली वीडियो को देख कर तभी यहाँ पर आइए, क्योंकि अब जो नया जो कंटेंट आने वाला है वो उसी का एक पार्ट है. अगर वो समझ में नहीं आया तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार उस वीडियो को देख लें फिर इस वीडियो पे आएं, ठीक है. अब ये था आपका एक केमिकल रिएक्शन के जितने भी टाइप्स थे, कि चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब देखो, ये सॉलिड वैक्स था, लिक्विड में चला गया, ठीक है, जब इसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न किया. तो यहाँ पर स्टेट का चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो ये केमिकल चेंज है. तो ये क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है. चेंज इन कलर, यानी कि जो KMnO4 का जो कलर था वो कलरलेस हो गया, फेड हो गया बिल्कुल. तो ये क्या बता रहा है, कलर का चेंज बता रहा है, तो यानी कि केमिकल चेंज है ये. तो ये क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई. अगर मैं जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करूं तो वहाँ से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं. हाइड्रोजन गैस के क्या निकलते हैं, बबल्स. ये मेरा इंडिकेट क्या करता है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है. इसमें चेंज इन टेम्परेचर, अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स डालता हूँ तो यहाँ पर ये जो बीकर होगा इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज, कलर नहीं, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज. अब हम उस टेम्परेचर को मेज़र कैसे करेंगे, विद दी हेल्प ऑफ थर्मामीटर. हम यहाँ पे थर्मामीटर डिसॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ है, वो हमें बताएगा कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है. लास्ट था आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होती है प्रोडक्ट की. अगर कोई सॉलिड फॉर्म प्रोडक्ट की बन रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वो दिखाता है मेरा कि केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है. तो ये था कल का थोड़ा ओवरव्यू. एक रिएक्शन क्या होती है आपको पता है, कोई भी चेंज हो रहा है रिएक्शन के अंदर, ठीक है, नया सब्सटेंस बन रहा है फ्रॉम ओल्डर सब्सटेंस, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन.
ये आपके रिएक्टेंट हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, ये आपके प्रोडक्ट जो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और बीच में क्या होता है हमारा एरो। अब किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में रखना है, जितने भी रिएक्टेंट हैं बीच में प्लस का साइन लगाना है, उसके बाद एरो, देन आपके प्रोडक्ट, तो जितने ही प्रोडक्ट होंगे उसमें ही प्लस प्लस का साइन आपको लगा कर जाना है, ठीक है। जैसे ये है तो इसमें रिएक्टेंट मेरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कल हमने तुम्हें बताई थी, तीन टाइप की इक्वेशन बताई थी कि वर्ल्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन। तो वर्ल्ड इक्वेशन क्या होती है, जब एलिमेंट का नाम लिखा हो तो वो कहलाती है वर्ल्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिखा है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मैं ये कहलाई कौन सी, वर्ल्ड इक्वेशन। अगर मैं स्केलेटन इक्वेशन की बात करूँ तो मैग्नीशियम का साइन क्या होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाया इसने, 2MgO। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कैसे करोगे, देखो ऑक्सीजन दो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम दो है, यहाँ मैग्नीशियम दो नहीं है, तो यहाँ लगा दो, तो ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब कैसे पता करा कि इसका टोटल मास देख लो और इसका टोटल मास देख लो, अगर टोटल मास सेम आ रहा है तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है, ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद देखा हमने रिप्रेजेंटेशन, जो हमें अभी बताया था मैंने आपको, नेक्स्ट स्लाइड में यही आ रहा है आपका कि 2MgO, 2Mg। उसके बाद केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट के तरीके थे जो कल आपको बताई दिए थे हमने। उसके बाद आ जाती हैं हमारी रिएक्शंस। देखो अब मेनली फाइव टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, मेनली क्या होती हैं, फाइव टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम अब फर्स्ट वन बाई वन हम इनके टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम ही इसका सजेस्ट हो रहा है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है कुछ चीज़ कंबाइन हो रही है। अब कंबाइन कब होगी, वो एक चीज़ तो होगी नहीं, एक रिएक्टेंट तो होगा नहीं, दो रिएक्टेंट हो सकते हैं, तीन रिएक्टेंट हो सकते हैं और चार रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो देखो ये मेरा रिएक्टेंट ए, ये मेरा रिएक्टेंट जेड, ये दोनों क्या हुए, कंबाइन हुए और इसने क्या बना लिया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया इसने, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। ऐसी टाइप की रिएक्शन को कहलाते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल दे दिए यहाँ पर कि ये क्या है हमारा, ये हमारा कैल्शियम, ये हमारा सल्फर, ये बनाया इसने कैल्शियम सल्फाइड बनाया, यानी कि दो रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए और कंबाइन होके इसने क्या बना लिया, सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। ऐसे टाइप की रिएक्शन को कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना समझ में आया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। देखो अब एलिमेंट मतलब क्या है, जो सिंगल एटम प्रेजेंट रहते हैं। हम अगर दो एलिमेंट को कंबाइन कर दें तो भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे हमने तुम्हें बताया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के केस में। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, तुम्हारे एलिमेंट है, ठीक है। जो ये फर्स्ट टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन का, ये टाइप बताएगा कि दो एलिमेंट को मैं कंबाइन करूँ तो मेरा क्या बनेगा, दो एलिमेंट को मैं कंबाइन करूं तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन हुए तो इसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए तो इसने क्या बनाया, वाटर बना लिया। ये दोनों एलिमेंट थे, क्या बना लिया इसने, कंपाउंड बना लिया, ठीक है। तो जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होंगे आपस में तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे।
इतनी बात समझ में आई। अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करता हूँ तो जनरल रिएक्शन कॉम्बिनेशन की जनरल रिएक्शन क्या होगी, ये होगी ए प्लस बी, ये बना लेगा सी। इतनी बात समझ में आई कि मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक टाइप है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्या है पॉलीमराइजेशन, सेकंड पार्ट। देखो अगर तुमसे एग्जाम में, ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन होके एक नया मतलब वास्ट बिग रूप में क्या बना लेते हैं, नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, जो जिसकी लेंथ कितनी होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है मोनोमर्स यूनिट होती हैं। यूनिट किसकी होती है, मोनोमर्स की यूनिट होती हैं। ये मोनोमर्स यूनिट क्या करती हैं, एक एक यूनिट आपस में अटैच्ड होगी, कंबाइन होगी और एक सिंगल चेन बना लेगी, तो जिसको हम बोल रहे हैं पॉलीमर। यानी कि मोनोमर यूनिट से क्या बना, पॉलीमर बन गया। ऐसी रिएक्शन को कहलाएंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। लेकिन ये टाइप किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल इथीन है आपका, ठीक है, इथीन क्या है, मोनोमर यूनिट है, इससे क्या बनती है पॉलीथीन बनती है। यानी कि इथीन आपकी मोनोमर यूनिट हुई, इथीन के नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट होंगी, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ n नंबर ऑफ यूनिट, तो ये क्या बना लेगी पॉलीथीन बना लेगी। अब यहाँ पर कंडीशंस होंगी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जरूरी ऐसा तो नहीं है कि इथीन डाला हमने पॉलीथीन बन गया। अब यहाँ पर हमें कंडीशन देनी पड़ती है, टेम्परेचर देना पड़ता है, कैटलिस्ट देना पड़ता है, जिससे इथीन का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है पॉलीथीन में। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए एक नंबर में कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किसका टाइप है, तो आप बता सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो दो एलिमेंट के बीच में भी हो सकती है, वो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है, और वो दो कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। तो पहला एग्जांपल हमने क्या बताया कॉम्बिनेशन का, कि दो एलिमेंट जब आपस में जोड़ेंगे तो वो कंपाउंड बना लेंगे। ऐसे ही दूसरा टाइप क्या है, कि जब दो कंपाउंड कंबाइन होंगे तो वो एक दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ये कंपाउंड है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर भी हमारा कंपाउंड है, तो ये दो कंपाउंड हुए। तो ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट ही बनाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपके दो एलिमेंट जोड़ के भी एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, दो कंपाउंड मिलके ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस यहाँ पर याद रखने वाली क्या बात है, कि टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। बस इतना याद रखना कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, देखो जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, याद रखना आगे बहुत काम आएगा, क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ये क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल नेम क्या है इसका, क्विक लाइम पुट्टी जो होती है। ठीक है, अब ये जो क्विक लाइम है ये मिक्स किया व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, वाटर के साथ जब मैंने मिक्स किया तो इसने क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, क्या बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इनको याद रख लेना नाम के, कि क्विक लाइम CaO है होता है और स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो कंपाउंड मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने। ठीक है, तो हैंस इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर कंपाउंड कंबाइन होते हैं टू प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट। तो जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं।
जैसे हमने कल बताया था आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती हैं जिनमें हीट हमको देनी पड़ती है रिएक्शन को चालू करवाने के लिए। अब जितनी भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी, याद रखना बेटा, वो सब कौन से नेचर की होंगी? एक्सोथर्मिक। अब मेरी एक्सोथर्मिक नेचर की है ये, तो मैं इससे क्या समझ रहा हूँ कि मेरी हीट निकलेगी। क्या निकलेगी? मेरी हीट। देखो, कल भी एग्जांपल दिया था कि जब हम पुट्टी को पानी में डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो आफ्टर जब वो घुल जाती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है, गर्म हो जाता है जो बीकर। तो वो जब गर्म हो रहा है तो मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ उससे कि उसमें से हीट निकल रही है। तो जब वो हीट निकल रही है, एक्सो का मतलब होता है बाहर और थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट का बाहर निकलना, वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो सब कौन सी नेचर की होती हैं? एक्सोथर्मिक नेचर की। अगर तुमसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि व्हाट आर दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैसा नेचर होता है उनका, तो आप बता सकते हो एक्सोथर्मिक नेचर होता है। और एक्सोथर्मिक नेचर की क्वालिटी तो हमें पता ही है कि वो सारी रिएक्शन जिसमें से हीट निकल रही है। ठीक है, तो ये समझ में आया कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड। अब बात आती है डिकम्पोजिशन की। अब बात किसकी आती है? डिकम्पोजिशन की। ठीक है, देखो, जैसे ही नाम है, दूसरी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे इसका नाम है वैसा ही उसका काम है। नाम इसका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है, डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक होना, समझ में आ रहा है कि डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो होगा वो ब्रेक होगा प्रोडक्ट्स में, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा? ब्रेक होगा इंटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ तो जनरल फॉर्म ये है। ये देखो, रिएक्टेंट यहाँ पर एक ही है लेकिन वो कंपाउंड है, वो ब्रेक होगा ए और बी में। तो ऐसे रिएक्शन कहलाती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ए बी का क्या होगा? डिकम्पोज हुआ, टूट गया ए बी जो है। अब वो टूटता कैसे है? हमें इसमें हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? हीट, खुद से देनी पड़ती है हीट। तो इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? एंडोथर्मिक। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो नेचर था वो तो एक्सोथर्मिक था, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो नेचर है वो कैसा होगा? एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर हमको हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन को करवाने के लिए। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ए बी, ए और बी। ठीक है, यहाँ पर ये साइन किसका है? हीट का। और ये जो टाइप है वो कौन सा टाइप है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो इसमें, इन दिस रिएक्शन में क्या होता है, जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है इंटू टू और मोर सबस्टेंसेज। वो सबस्टेंसेज क्या कहला रहे हैं? तुम्हारे प्रोडक्ट कहला रहे हैं। ठीक है, तो वी नो दैट, जैसे हमें पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट होता है, ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होगा, लेकिन प्रोडक्ट कितने हो सकेंगे? दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब तीन तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन कौन सी बता देते तो मैं, कौन कौन सी होती है कि देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। यानी कि डिकम्पोजिशन तीन तरीके से हम कर सकते हैं। या तो हम उसको हीट दे के ब्रेक करवाएं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के ब्रेक करवाएं, या फिर लाइट पास करवा के ब्रेक करवाएं। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक कंपाउंड है वो ब्रेक होना है। अब वो जब ब्रेक कब होगा? जब उसमें हम कुछ एनर्जी देंगे। ठीक है, देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जो रिएक्टेंट थे उनकी एनर्जी बहुत हाई थी। उनकी एनर्जी क्या थी? बहुत हाई थी रिएक्टेंट की। तो जब उनकी एनर्जी बहुत हाई थी तो वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हमें अपने आप से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम उस एनर्जी को या तो हम
हीट के फॉर्म में दे दें या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे दें या लाइट के फॉर्म में दे दें, तो ये तीन तरीके से हम डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। या तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएं या इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन बाई लाइट से करवाएं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दे रिक्वायर हीट एनर्जी, दे रिक्वायर लाइट एनर्जी, दे रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो उसी के बेस्ड में तीन तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। तो वन बाई वन हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्या है तुम्हारी डिकम्पोजिशन बाई हीट ऑफ थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी देखो, थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब क्या होता है हीट। ये क्या है मेरा, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये फॉर्मूला किसका है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो सिंगल रिएक्टेंट है, यहां पर मैंने क्या दिया इसको, हीट दिया, ये हीट का साइन होता है डेल्टा। जब इसमें मैंने हीट दिया तो ये किस में बना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको नाम क्या था इसका, क्विक लाइम, अभी बताया था, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ कि थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एग्जांपल है, लर्न कर लेना कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट विल ब्रेक इनटू टू प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो और भी एग्जांपल आप दे सकते हो, लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन भी बाय हीट एनर्जी होता है। तो जो फेरस सल्फेट होता है वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, और भी आप एग्जांपल दे सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन के, बेसिकली ये वाला एग्जांपल आप याद रखना। अगला जो है आपका वो क्या है आपका, देखो एक बात और कि जो ये रिएक्शन थी पहले वाली CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की, उसका यूज़ क्या है कॉमर्शली, हम इसको यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनाने में, क्विक लाइम बनाने में। जो पुट्टी होती है वो कैसे बना रहे हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट से, ये जो पुट्टी है ये घरों में यूज़ होती है। तो ये कॉमर्शियल रिएक्शन है, कॉमर्शियल मतलब जो यूज़ की जाती है घरों में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है उसको हम हीट करते हैं तब हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो ये कमर्शियल एप्लीकेशन है थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो ये भी याद रखना कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। जो आपके सीमेंट बनने हैं, ठीक है, आपके ग्लासेस बनने हैं, वो किससे बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से ही बनते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनती है, जब ब्रेक डाउन होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब बात आती है कि डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे, देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं वाटर से, वाटर में क्या करवाया हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई और उस वाटर में हमने कुछ ड्रॉप्स डाल दी H2SO4 की। सर वो H2SO4 रिएक्ट लाइक अ, बिहेव कैसे करेगा, लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट। देखो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जब तक उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं आ जाती, जब तक उसको फ्लो, जो आयंस हैं जब तक उसका फ्लो नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो हमारा जो वाटर है उसमें हमने क्या करवाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर को तोड़ेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, ठीक है, वो क्या करेगा, उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फ्लो, आयन को फ्लो करवाने में मदद करवाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी यानी कि कंडक्ट होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं हम इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इसका मैं एग्जाम्पल दूँ तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एक एग्जाम्पल अगर हम तुम्हें देते हैं तो लिख लेना NaCl का, कि ये एग्जाम्पल लिख लेना 2NaCl। देखो सिंगल रिएक्टेंट आ रहा है, इतना याद रखना, ठीक है, 2NaCl प्लस H2O। अब ये H2O मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पर
पास करवा रहा हूँ, वाटर के अंदर पास करवा रहा हूँ, भली मेरा एक रिएक्टेंट यही है लेकिन इसको हम मैं रिएक्टेंट कंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको पास करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2। तो इस वाले मेथड को देखो, ये जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन एक्वस। तो इस प्रोसेस को हम कोल और एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। कोलोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, देखो कोलोर का मतलब है क्लोरीन, तो क्लोरीन बनना है मेरा, एल्कली एल्कली का मतलब NaOH बनना है मेरा, कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ वेरी यूजफुल इन डिटर्जेंट इन सोप्स, जो हमारे हार्ड सोप्स होते हैं बनाने में हम जो काम करते हैं, तो ये प्रोसेस यूज़ की जाती है NaOH बनाने में। और ये जो क्लोरीन है वो आपकी यूज़ की जाती है ब्लीचिंग पाउडर हुआ, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और जितने भी डिसइंफेक्टेंट चीज़ें होती हैं उनको बनाने में, क्योंकि क्लोरीन जो है हमारी साफ़ कर देती है कीटाणुओं को। तो इस प्रोसेस को हम कोलोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं NaCl को पास कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो हमारा NaOH बनता है, क्लोरीन बनता है और हमारी हाइड्रोजन बनती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोलोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इसकी जो ये जो NaOH है वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे बनता है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना आप इसको कि इसका डिकम्पोजिशन कैसे हुआ, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है तुम्हारी डिकम्पोजिशन बाय लाइट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो जो रिएक्टेंट होगा वो एब्जॉर्ब करेगा उस लाइट एनर्जी को और अपने आप को डिकम्पोज कर लेगा इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स में। तो द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट, देन द रिएक्टेंट विल डिग्रेड ब्रेक और डिकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी फोटोलाइसिस, इसको हम फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। देखो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, अभी तुमने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक हम तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो पढ़ा था अभी इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक फोटोलाइसिस, दोनों में लाइसिस आ रहा था। लाइस का मतलब होता है ब्रेक होना, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, अगर वो लाइट के थ्रू ब्रेक हो रहा है तो वो फोटोलाइसिस। तो नाम से याद रखना फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइसिस द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम क्या करते हैं लाइट में, कि आपने देखा होगा कि जो पहले थे, आजकल तो नए कैमरा आ गए, मॉडर्न कैमराज आ गए, लेकिन जो पहले वाले कैमरा थे उसमें रील होती थी एक, ठीक है। अब रील के ऊपर कोटिंग होती थी किसकी, AGBR की, AGBR क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड की क्या है, उस पर कोटिंग होती थी। तो जब वो कोटिंग सिल्वर ब्रोमाइड की जो रील है, उस रील को हम फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते थे, तो जब वो फोटोग्राफिक प्लेट उस लाइट एनर्जी को ब्रेक, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती थी, तो AGBR जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो आपका ब्रेक हो जाता था सिल्वर में और ब्रोमाइड में, तो कलर प्रोड्यूस करता था, क्या प्रोड्यूस करता था, कलर, जिसकी वजह से आपके जो फोटोग्राफ थे वो कैसे आए, कलरफुल आ गए। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी 2AGBR यहां पे क्या लिखूंगा मैं, लाइट, वहाँ पे देखो थर्मल में हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर लाइट। तो जो मेरा 2AGBR है ये मेरा सिल्वर ब्रोमाइड है, क्या है मेरा सिल्वर ब्रोमाइड, ये ब्रेक हुआ किस में, AG में और BR में, ये इसका कलर कैसा होता है, सिल्वर, इसका ब्रोमाइड, ठीक है। तो
ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो ग्रे कलर का आ जाता है। अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका कलर क्या होता है, वाइट, और इसका कलर क्या होता है, ग्रे, तो देखा होगा तुमने नेगेटिव जो आते थे पुराने ज़माने में, जो फोटोग्राफिक प्लेट जो नेगेटिव आते थे वो ग्रे कलर के होते थे। तो ये जो एजी है वो कैसा हो गया, ग्रे कलर का। अब ग्रे कलर का क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हुआ है डिकम्पोजिशन। लाइट ने इस AGBR को इस तरह से डिकम्पोज किया कि AG अलग हो गया, BR अलग हो गया, जिसकी वजह से इस पर क्या हो गया, चेंज इन कलर हो रहा है। क्या हो रहा है, वाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जो AG हमारा सिल्वर मेटल वो कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। और ये जो तुम्हारा अगर मैं रिएक्शन ले लूँ, सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन ले लूँ, BR की जगह क्या लगाऊंगा मैं, बस CL लगा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने रिएक्शन ये ले ली, 2AgCl, 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी दूसरी रिएक्शन है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है। तो दोनों तरफ से आ सकता है क्वेश्चन कि सिल्वर ब्रोमाइड की दिखाओ या फिर सिल्वर क्लोराइड की दिखाओ। तो ये जो क्लोराइड है इसका कलर क्या होगा, येल्लो। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक एक नंबर में MCQ में अगर तुमसे पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज कैप्ट इन सनलाइट, बात आ रही समझ में, कि क्या होगा जब सिल्वर क्लोराइड को मैं सनलाइट में रख दूंगा तो होगा क्या, डिकम्पोजिशन होगा, इट विल डिकम्पोज, द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक्स प्लेस। तो फॉर्मेशन किसका होगा, क्लोरीन का और सिल्वर मेटल का। क्लोरीन कैसे कलर की होगी, येल्लो कलर की। ठीक है, और तुम्हें एक और एग्जांपल दूं कि क्लोरोफॉर्म है जो तुम एनेस्थीसिया में यूज़ करते हो, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को तुम क्या करते हो, ब्राउन बोतल में कैप्ट करके रखते हो, खुले में नहीं रखते हो। क्यों नहीं रखते हो खुले में, खुले में ऐसे नहीं रखते हो कि जो क्लोरोफॉर्म है वो हाईली रिएक्टिव है। पहली बात, रिएक्टिव है, जैसे ही सनलाइट की जो रिएक्शन है, सनलाइट की जो एनर्जी है, रेज हैं, वो जैसे ही क्लोरोफॉर्म पे पड़ेंगी तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, वो एक रिएक्टेंट बनाएगा जिसका नाम है फोजीन। क्या नाम है उसका, फोजीन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पे जब सनलाइट पड़ती है, क्या पड़ती है, सनलाइट, तो ये बनाता है फोजीन। और फोजीन इज वेरी हार्मफुल, फोजीन इज वेरी हार्मफुल, इट कॉज डेथ, ये डेथ कर देता है इंसान की। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो क्लोरोफॉर्म की बोतल है वो ब्राउन बोतल्स में रखी जाती हैं, बिकॉज वी आर कैप्टिंग इट फ्रॉम रिएक्टिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सन। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म की जो बोतल है वो ब्राउन बोतल्स में क्यों रखी जाती हैं, वो इसलिए रखी जाती हैं ताकि वो रिएक्शन ना हो जाए, अगर रिएक्शन हो जाएगी तो वो फोजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो फोजीन में कन्वर्ट हो रही है तो इंसान के मरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट, होपफुली आपको समझ में आ रही है वीडियोस। सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, वीडियोस आती रहेंगी आपकी। अब बात आती है तुम्हारी, देखो अभी तुमने बताया था मैंने AgCl का एक्सपेरिमेंट, AgCl ये रहा आपका लाइट दी मैंने, Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो गया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ग्रे कलर का आ रहा है, ये कैसे कलर का आ रहा है, ग्रे कलर का। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज हीटेड इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इट विल जनरेट ग्रे कलर। कैसा कलर, ग्रे कलर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अब बात किसकी आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब है एक चीज़ डिस्प्लेस हो रही होगी, क्या हो रही होगी, जैसे इसका जो नाम है, नाम हमारा इंडिकेट क्या कर रहा है कि डिस्प्लेस, यानी कि पोजिशन चेंज हो रही होगी एलिमेंट की, एलिमेंट की क्या हो रही होगी, पोजीशन चेंज। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आपकी जो डेफिनेशन है उसकी अगर मैं बात करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब मोर रिएक्टिव क्या है और लेस रिएक्टिव क्या है, देखो एक पावरफुल इंसान
एक कमज़ोर इंसान को ही डिस्प्लेस कर सकता है अपनी जगह से। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि एक क्लास चल रही है, उसमें पहली बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं और पूरे ऐसे हैं वीक, ठीक है, कमज़ोर हैं। अब एक भारी भरकम बच्चा आता है और छोटे बच्चे को डिस्प्लेस करके हटा देता है और खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है। तो वही यहाँ पर होती है रिएक्शन, कि यहाँ पर क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ताकतवर एलिमेंट है, वो अपने कमज़ोर वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, हटा देगा और उसकी जगह बैठ जाएगा। यानी कि क्या कर दिया उसने, डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो उस रिएक्शन को क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है वो। यानी कि इन विच द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो टाइप्स की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी हम देखेंगे। देखो, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ तो जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, ए बी प्लस सी क्या होगा, ए सी प्लस बी, कि जो सी एलिमेंट है, सी इज मोर रिएक्टिव देन बी। यानी कि सी जो है ज़्यादा ताकतवर है बी से, तो सी ने क्या करा, बी को हटाया और उसकी जगह बैठ गया। ऐसी टाइप की रिएक्शन को क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। दो टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो, ये हमारी ए रिएक्टेंट था और ये बी रिएक्टेंट था, ठीक है, ये सी था। तो क्या हुआ, इस सी ने इसको हटा दिया और खुद इसकी जगह लग गया। यहाँ पर दिख रहा है ये तुम्हें, कि इस सी ने इस बी को नहीं, होगी ए को हटाया और यहाँ पर क्या लग गया, बी के साथ लग गया, यानी कि बी सी और ए। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि सिंगल एलिमेंट है ये, यहाँ पर क्या है, ये सिंगल एलिमेंट। एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ तो जेड एन प्लस एफ ई एस ओ फोर, इस जेड एन ने इस एफ ई को हटा दिया प्लस एफ ई, यानी कि जेड एन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, एफ ई, यानी कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, जिसकी वजह से जिंक ने आयरन को हटा दिया और अब अपनी जगह पे बैठ गया। तो ये क्या हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन ज़्यादा अनरिएक्टिव है, तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। भाई हमें क्या पता है कि जेड एन रिएक्टिव है या आयरन रिएक्टिव है, अभी तो मैंने बता दिया कि जेड एन रिएक्टिव है, लेकिन आपको कैसे पता है, आपको नहीं पता है। तो एक एक्टिविटी सीरीज़ होती है, एक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है बेटा, देखो एक एक्टिविटी सीरीज़ होती है, जो मैं अभी लिख देता हूँ आपके सामने, लिख देता हूँ, पोटेशियम कैल्शियम आलू जा, और था आपका यू, देखो बेटा ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये होती है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे ये ऊपर वाले क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये जो एच है, ये हमारा होता है रिफरेंस पॉइंट, यानी कि यहाँ से हम रिफरेंस मानते हैं। अब इसको हमने हाइड्रोजन को रिफरेंस क्यों माना, हमने हाइड्रोजन को रिफरेंस इसलिए माना बिकॉज इट कैन बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एंड
एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है या वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, रिड्यूसिंग की भी और ऑक्सीडाइजिंग की भी, इसलिए हमने हाइड्रोजन को क्या माना, रिफ्रेंस। तो ये जो टेबल है ठीक है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे नीचे सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर आपका लेड, फिर आपका हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर आपका मरकरी, फिर आपका सिल्वर, फिर आपका गोल्ड। अब ये याद कैसे हो, बड़ी बात आती है दिमाग में कि याद कैसे हो, इसकी भी एक कोई ट्रिक होगी याद करने की। तो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, देखो यहाँ पे लिखो काशी, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। यानी कि देखो काशी के आ रहा है यहाँ पे, तो पोटेशियम, एन नाथ यानी कि सोडियम, का कैल्शियम, एम आ रहा है माली में एम जी, ए एल आ रहा तो आलू, जेड एन आ रहा तो जरा, एफ ई आ रहा तो एफ मतलब फी, फी मतलब एफ ई, पकाता प आ रहा तो मतलब लेड, ये क्या हमारा लेड, पी बी का सिंबल होता है लेड, और एच का हो गया है। यानी कि यहाँ तक मेरे को याद हो गई कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी जो आप याद कर सकते हो एक्टिविटी सीरीज में। और इसके लिए क्या होगी, यहाँ पे देख लेना कौन कौन है और ए जी ए यू याद कर लेना आप, ठीक है। यानी कि ये चार आप याद कर लेना कि यहाँ तक तो याद हो जाएगा आपका, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, उसके बाद सी यू एच जी के लिए कौन है और ए जी और ए यू, यानी कि ये जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर देखो कैल्शियम और इसका सॉल्ट आ जाए, यानी कि अगर ये आ जाए कुछ ऐसे आ जाए कि K प्लस NaSO4, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस Na को हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्टिविटी सीरीज़ में पढ़ रखा है। अगर कुछ ऐसी रिएक्शन आ जाए तो क्या करोगे आप, KSO4 लिख दोगे प्लस Na, ठीक है। अगर रिएक्शन ऐसी हो Na प्लस KSO4 हो तो रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि सोडियम जो है रिएक्टिव नहीं है, वो हटा ही नहीं सकता, ताकतवर इंसान को कौन हटा सकता है दुनिया से, कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब हमें ये याद रखना है कि कौन रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, तो वो आप इस टेबल से आप आसानी से याद रख सकते हो। इतनी बात समझ में आई टेबल से, नोट कर लेना टेबल को और ये ट्रिक याद कर लेना, आसानी होगी आपको पढ़ने में। तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी कि इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब मोर रिएक्टिव भी तुम्हें पता चल गया, लेस रिएक्टिव भी पता चल गया, वो एक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज हमें क्या बताती है कि जो टॉप में एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव है और जो बॉटम में एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। उसके बाद कि जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे वाले थे और हाइड्रोजन से ऊपर वाले थे वो क्या थे, मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन से नीचे वाले लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ये था आपका एक्टिविटी सीरीज़। अब कुछ एग्जांपल मैं दूं आपको, तो पहला एग्जांपल देखो ZN प्लस, ये एग्जांपल दे दिया मैंने, एक और एग्जांपल देता हूँ कि MG प्लस CuSO4। अब ये आपको रिएक्शन करनी है, तो अब आप देखना कि Mg Cu से ऊपर है या नहीं है एक्टिविटी सीरीज़ में। तो मैं याद करूँगा एक्टिविटी सीरीज़, तो Mg मेरा Cu से ऊपर है, यानी कि मुझे पता है कि Mg हाईली रिएक्टिव है, तो Mg क्या होगा, Cu को हटा देगा और ख़ुद बैठ जाएगा। तो ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया
कॉपर को और खुद बैठ गया आके, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको, और भी रिएक्शन है एनसीईआरटी की बुक्स में देखना आप, और कोशिश करना एक एक रिएक्शन को देखना कि वाकई में ये रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव है तो एक्टिविटी सीरीज में जाना, अगर नहीं है तो वो रिएक्शन गलत होगी, नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट को। ये तो एक जनरल सी बात है, कभी कोई जो छोटा इंसान होता है जिसमें ताकत नहीं होती वो ताकतवर को नहीं हटा सकता। एक रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन, जो पेपरों में पूछी जाती है थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। तो देखो थर्माइट रिएक्शन क्या होती है कि Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ इसके अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो एल्यूमिनियम क्या है मेरा हाईली रिएक्टिव मेटल है, और ये क्या है मेरा आयरन, ये मेरा लेस रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, हटा देगा इसको, हटा दिया इसने, 2Fe बन गया और यहाँ से हीट भी निकलेगी, ठीक है। क्या निकली, हीट निकली। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, जो वेल्डिंग्स में यूज़ की जाती है, जो आपकी क्या किस में यूज़ की जाती है, वेल्डिंग्स में, क्योंकि ये क्या है आपका आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम से, पता है आपका एल्यूमिनियम ज़्यादा मेरा मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये जो एल्यूमिनियम पाउडर है, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है वेल्डिंग्स में, ये किस में यूज़ किया जाता है वेल्डिंग में, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या थर्माइट, इसलिए बोलना है क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी आपकी क्या हो रही है रिलीज्ड हो रही है, हीट एनर्जी इसको चाहिए मतलब रिएक्शन को करवाने के लिए। तो ये क्या हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि जिसमें दोनों ही आपके सॉल्ट होते हैं, उसमें तो एक सॉल्ट था एक मेटल था, इसमें आपके दोनों ही सॉल्ट होंगे, या दोनों ही सॉल्ट होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे आयंस होंगे। इसमें होगा एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जैसे देखो ए बी सी डी, ए ने डिस्प्लेस कर दिया सी को, बी ने डिस्प्लेस कर दिया डी को, तो यहाँ पर बन गया ए डी और यहाँ बन गया बी सी, यानी दोनों सॉल्ट होंगे। अब वो देखना पड़ेगा कौन रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। तो ये कहलाती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट इन विच टू कंपाउंड्स आर एक्सचेंज। देखो दो कंपाउंड एक्सचेंज कर रहे हैं ना अपने आप को, ए ने किसके साथ एक्सचेंज करा डी के साथ, बी ने किसके साथ करा सी के साथ, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है क्या डबल डिस्प्लेसमेंट। देख लेते हैं हम, देखो ए ने किसको एक किसके संग ए ने किसको डिस्प्लेस कर दिया सी को, तो ए डी के साथ जुड़ गया, बी ने किसको डिस्प्लेस कर दिया ए को, तो ये सी के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल था वो आपका था डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब डबल डिस्प्लेसमेंट की जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं फीचर्स, कि इसमें एक्सचेंज होता है आयंस का, ये बात याद रखना एक्सचेंज होगा आयंस का, और क्या होगा इसमें कि जो आपका जो नया कंपाउंड बना है, जो नए कंपाउंड बने प्रोडक्ट साइड में, उनका जो सेपरेशन होगा ना वो एक खास प्रोसेस से होगा, ठीक है। खास प्रोसेस इन द मतलब कि वो PPT भी बन सकता है, प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। जैसे मैंने तुम्हें एक एक्टिविटी 2 करवाई थी पिछली वाली वीडियो में, उस एक्टिविटी को देखना, उसमें येल्लो कलर का लेड आयोडाइड बनना है, तो वो क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल दे दूँ तो मैं डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो AgNO3 अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं NaCl के साथ तो क्या बनेगा इसमें, देखो AgCl, भाई Ag ने इस Na को हटा दिया और ये क्या बनेगा फिर NaNO3, ठीक है। NaNO3 ये इसके साथ आ गया और ये किसके साथ आ गया इसके साथ। AgCl क्या है आपका, अभी बताया था सिल्वर क्लोराइड है वो आपका, ठीक है। ये कैसे कलर का होता है, वाइट,
ये PPT में आएगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो जितने भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें याद रखना कि प्रेसिपिटेट बनता है और एक कलर देता है, वो क्या देता है आपका, कलर देता है, ठीक है। और ये जो चेंज होते हैं ना वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार हो गया तो वो दूसरी बार नहीं होगा, रिवर्स में नहीं जाएगा। रिवर्स मतलब देखो, इरिवर्सिबल ये साइन होता है, रिवर्सिबल मतलब बैक, यानी कि वापस से बन जाना। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या आपका, इरिवर्सिबल, ठीक है। इसमें क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। और एग्जांपल हम दे देंगे, BaSO4 का है, जैसे बेरियम सल्फेट, अगर मैं उसको सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा, मेरा बेरियम सल्फेट बनेगा और मेरा सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये बात थी तुम्हारी किसकी, रिएक्शंस की, ठीक है। तो आज हमने क्या कवर किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े, डिकम्पोजिशन देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा और डबल डिस्प्लेसमेंट देखा, ठीक है। अब होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने आज ज़्यादा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े। अब हम कल अपने कुछ फिनोमेना पढ़ेंगे, लाइक कोरोजन क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और इस टाइम को यूटिलाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।